हेलो एवरीवन, तो आज हम कैम स्केच ड्राइंग टूल सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको कैम स्केच के बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो पहला है कि हमें जब हम कैम स्केच यूज़ करते हैं तो कैम स्केच का जो इंटरफेस आप खोलते हो उसमें सबसे पहले आपको टूल बार्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इसमें जो टूल बार्स हैं, सबसे पहले है स्ट्रक्चर टूल बार। सो ये यहाँ पे आपको दो मोड्स नज़र आएंगे, एक है स्ट्रक्चर, एक है ड्रॉ। तो जब आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाई देगा और ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर टूल बार्स के इसमें टूल्स हैं, राइट। उसके बाद है एटम टूल बार। तो जब आप स्ट्रक्चर मोड पे होते हो तो ये वाला जो बार आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज एटम टूल बार, राइट। और ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं रेफरेंस बार। तो ये स्ट्रक्चर मोड पे अवेलेबल होते हैं, राइट। जब आप इसको ड्रॉ मोड पे कर देते हो तो नेचुरली देखो सारी ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी और ये जो है ये ड्रॉ टूल बार के अकॉर्डिंगली है, ये भी ड्रॉ टूल बार। सो इसमें सारे ड्रॉइंग टूल बार्स टूल्स होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर ड्रॉइंग एनी स्ट्रक्चर्स और एनी डायग्राम्स एक्सेट्रा। सो ये ड्रॉ टूल बार है। उसके बाद आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ फाइल फॉर्मेट्स। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हो कैम स्केच में तो इसमें सेव करने की ऑप्शंस भी जो है वो बहुत सारे फॉर्मेट्स में हैं। तो जब आप फाइल करोगे उसके बाद जब आप सेव एज पे जाओगे तो आपको नेचुरली जहाँ पे भी आपने उसको सेव करना है वो आप जो डेस्टिनेशन है वो चूज़ कर लीजिए, उसका नाम रख लीजिए, यहाँ पे आप फाइल का नाम रख लेंगे। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी जिसमें आप अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। सो बहुत सारी ये फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाद में उसको एडिट करना चाहते हो, बाद में उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो हमेशा अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको कैम स्केच 2.0 डॉक्यूमेंट यानी कि .sk2 में ज़रूर सेव कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी सारे फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हो, लेकिन बाकी फॉर्मेट्स में सेव करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक डॉक्यूमेंट को आप .sk2 में सेव करना और उसी डॉक्यूमेंट को आप इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर चाहिए और मैं उसको PNG फाइल में पिक्चर की फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ तो मैं JPG या PNG फाइल फॉर्मेट में सेव कर लेती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उसको .sk2 फाइल में भी सेव करती हूँ ताकि मैं उसको स्ट्रक्चर को बाद में एडिट भी कर सकूँ, राइट। तो ये है फाइल फॉर्मेट्स की ऑप्शन जिसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स में उसको सेव कर सकते हो। फिर तीसरा है पेज सेटअप। आप इसमें डिफरेंट पेज साइज ओरिएंटेशन वगैरह भी चूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल, ये जो मेन्यू बार है इसमें आप फाइल ऑप्शन, फाइल टैब पे जाएंगे, क्लिक करें और उसके बाद गो टू पेज सेटअप। तो जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आप साइज एंड ओरिएंटेशन टैब को क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं अपने पेज के वो ले सकते हो। फिलहाल इसमें मैंने A4 चूज़ किया हुआ है। इसकी आप विड्थ, हाइट एक्सेट्रा चेंज कर सकते हो, इसको पोर्ट्रेट में कर सकते हो या लैंडस्केप में कर सकते हो, राइट। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। और दूसरा, आप सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो या सिर्फ एक पेज पे करना चाहते हो, सो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद आप मार्जिन्स जो हैं वो सिलेक्ट, ये जो डॉटेड लाइन्स आपको दिख रही हैं ये मार्जिन्स हैं, तो आप यहाँ से मार्जिन्स भी चूज़ कर सकते हो अपने फॉर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा आप पोस्टर टैब पे क्लिक करेंगे तो आप इस कैम स्केच में पोस्टर्स भी बना सकते हैं, जो हम लोग रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस मतलब अपने रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पोस्टर्स प्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप अपने पोस्टर के साइज, विड्थ, हाइट वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हो और पोस्टर्स के अकॉर्डिंगली, डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली आप उसको क्रिएट कर सकते हो। सो ये था पेज सेटअप। उसके बाद आता है सेट स्ट्रक्चर ड्राइंग स्टाइल्स, ठीक है। आप जो आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हो वो डिफरेंट, कई बार जो जर्नल्स हैं वो अपने
रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है कि इस स्टाइल में आप उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मेन्यू बार में ऑप्शंस टैब पे जाएंगे, ऑप्शंस को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेट स्ट्रक्चर ड्रॉइंग स्टाइल्स। तो जब आप इसको क्लिक करते हो, ये स्मॉल एरो ये आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स देता है जिसमें आप अपने जो स्ट्रक्चर स्टाइल्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप इन डिफरेंट स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उस जर्नल के अकॉर्डिंगली, उस जर्नल की नीड के अकॉर्डिंगली आप उसको सेव कर सकते हो इन स्टाइल्स में। सो ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं इसमें कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर का स्टाइल चाहिए, सो ड्राइंग स्टाइल चाहिए अकॉर्डिंग टू योर द नीड ऑफ द जर्नल इन विच यू वॉन्ट टू पब्लिश योर पेपर। उसके बाद आ जाइए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पे। तो यहाँ ये जो एटम टूल बार है इसमें आप सबसे ऊपर ये जो छोटा सा आइकन देखेंगे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेरिलियम पे क्लिक करती हूँ तो ये बेरिलियम की इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है, बेरिलियम के बारे में हमें बताएगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप इसका एनएमआर का पे क्लिक करोगे तो ये एनएमआर की देगा, मास के ऊपर क्लिक करो तो करोगे तो ये सारे आपको आइसोटोप्स बताएगा। देन कलरेशन के हिसाब से हम डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं इसके ब्लॉक्स, ठीक है। सपोज आप कलरेशन लेते हो तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा। ये क्लासिक है जिसमें आपको ये पीरियोडिक टेबल ब्लॉक्स में दिखा रहा है। देन अगर आप एग्रीगेशन स्टाइल पे करोगे तो ये आपको सारे एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट बताएगा, गैसेस लिक्विड सॉलिड डिफरेंट कलर्स से, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स पे करोगे तो ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर देगा इनटू डिफरेंट कलर्स, राइट। देन रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से देखना है तो ये आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में से शो करेगा, राइट। और अगर हम सिंपल क्लासिक पे आ जाएंगे तो ये आपको ये दिखाएगा, राइट। सो अगर हमने जनरल लेना है तो जैसे जनरल पे हमने क्लिक किया तो मैंने जैसे बेरिलियम चूज किया था तो ये बेरिलियम के सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, करेक्टर्स डिस्कवरर नेम ऑफ नेम एंड ओरिजिन, ठीक है, एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर सपोज आपको कोई एलिमेंट इस एटम टूल बार में नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप डिफरेंट एलिमेंट चूज करना चाहते हो तो आप पीरियोडिक टेबल से भी एलिमेंट चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गैलियम लेना है तो मैं गैलियम पे क्लिक करके उसके बाद मैं यहाँ ओपन स्पेस पे इसको क्लिक कर दूंगी पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल गैलियम, तो एंड देन क्लिक ओके एंड देन क्लिक ऑन द ओपन स्पेस, तो वो एलिमेंट आपका ये जो ओपन स्पेस है पेज है आपका कैम स्केच का उसमें ये आप लिख सकते हो और उसके साथ आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जो भी आपने करना। उसके बाद है चेंज पेज कलर, तो आप ये जो कैम स्केच के पेजेस हैं इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चेंज पेज कलर के लिए पेजेस पे जाएं, देन क्लिक पहले मेन्यू बार में और उसके बाद पेजेस का टैब और देन क्लिक ऑन दी कलर। तो जब आप कलर पे क्लिक करोगे ये छोटा सा बॉक्स ओपन होगा और यहाँ ड्रॉप डाउन एरो से आप कलर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ पेज का, तो मैंने ये कलर अगर चूज किया देन क्लिक ओके, सो इसका पेज का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा इसको वाइट बैकग्राउंड रहने देती हूँ क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर्स को सेव करते हो तो आप अगर उसको प्रिंट करना चाहते हो तो बहुत सारी इंक आपकी वेस्ट होगी, इसलिए कीप इट इन द वाइट बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसमें पेजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे ये जो स्टेटस बार है, दिस इज स्टेटस बार, तो इस स्टेटस बार में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में 5 पेजेस हैं, तो आप जितने मर्जी एक डॉक्यूमेंट में पेजेस ऐड कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ से आप न्यू, अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, लेकिन अगर आपको उसी डॉक्यूमेंट में पेज ऐड करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस आइकन को, तो यहाँ पे न्यू पेज ऐड हो जाएगा। या फाइल में जाके भी न्यू ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से आप पेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और पेजेस को स्क्रॉल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरा सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है, फिफ्थ पेज है, उसी एक ही डॉक्यूमेंट का. तो आप इसमें पेजेस भी ऐड कर सकते हैं. सो ये बेसिक चीज़ें थी. आगे हम करेंगे इसकी एडवांस्ड ऑप्शंस की बात, जैसे ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड